किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। अच्छा नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहां? 5 करोड़। नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? एक नारा है, सबका सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास। नारा है सबका साथ सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जाति जनगणना पर वैसे तो आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। बोलते रहने दो ना, कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ और करने लगे अध्यक्ष महोदय, फिर आपको डांटना पड़ेगा। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जड़ना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। नहीं, चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी, बात की बात। लेकिन ये बताइए, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? 100% चाहते हैं। अरे कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए। इसी मंत्री के लिए गए थे वहां? 5 करोड़। नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जड़ना चाहते हैं? आपस में बात नहीं करें, मेरे से माने नहीं था, मेरे कौन से बोली करेंगे? आप लोग आपस में बात करेंगे तो फिर मेरा बैठना शुरू। बैठिए माने मंत्री जी, मेरे से बात क्या आप? अरे डॉक्टर संजय जी, अरे आप बैठिए माने मंत्री। डॉक्टर संजय जी, अरे उनका ऐसे जवाब देने लगे तो मेरा काम क्या? मेरा काम जवाब आ जाने दो तो अच्छा लगेगा। जब उनका मौका आएगा तब देंगे। संगति दूर होनी चाहिए, जो लोगों ने विसंगति पैदा कर रखी है कि हमें लटका रखा है, न हम पिछड़े में है न अनुसूचित में है, जब इनके पावर नहीं है। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, अरे कहा उनके चक्कर में फंस रहे हैं, बैठिए, अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, आप माननीय मंत्री जी बैठिए प्लीज। अरे मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, आपको नहीं बुलाया, आपको आपका मौका आएगा आप बोलिएगा। अरे बैठिए मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं।
दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं, और क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं तो इंजीनियर इंजीनियर बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है अपना दल भी यही चाहता है। अरे फिर आप खड़े हो गए, बैठिए माननीय मंत्री जी बैठिए, जब आपका मौका आएगा तब बैठिए। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात तो, अरे आप देखिए आप बोल रहे हो कोई बीच में ना खड़ा, ये मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है लेकिन लेकिन मैं अपने लिए समर्थन तो जुटा सकता हूँ। नहीं आप बाद में जुटाइएगा तो अपनी बात। वो मैं बताऊंगा। और कोई दल बचा है? हमारे साथी सहयोगी दल आरएलडी, हम और आप तो एक ही हैं। हैं? नहीं कांग्रेस ने तो किया ही नहीं। वो जो माननीय आशीष जी ने जो सवाल पूछा उसमें मैं बोलूंगा। हमारे हमारी पार्टी की माननीय सदस्य हैं और उनका एक अपना दल है, उनकी माताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जातीय जनगणना पे मैं समझता हूँ आप भी सहमत हैं। वो दोनों तो एक ही है ना, अलग हैं। अच्छा बैठ। तो अब क्या दिक्कत है नेता सदन? मेरी आवाज बिहार कर सकती है अध्यक्ष महोदय, चेक करें आवाज। अध्यक्ष महोदय जातीय जनगणना अगर बिहार में हो सकती है, अगर अध्यक्ष महोदय जातीय जनगणना बिहार में हो सकती है, और मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश की कराने का काम सरकार से होगा। और माननीय सदस्य ये सवाल जो पूछ रहे हैं, आपका सवाल ठीक है आशीष जी माननीय सदस्य का, कि आपकी सरकार में आपने क्यों नहीं किया। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी और दक्षिण भारत के सब नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जातीय जनगणना हो। उसमें उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। पता नहीं क्यों उस सेंसस में नहीं किया गया, जब दोबारा सेंसस होने जा रहा है। इसलिए हमारी फिर मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अकेली सदस्य हैं और हमारे गठबंधन की सहयोगी भी हैं, बहुजन समाज पार्टी भी। उन्होंने बोला नहीं वो तो पूछ के आना पड़ेगा, वो सहयोगी उन्होंने बताया नहीं कि है। उन्होंने आश्वासन दिया था प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री और सभी लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था, हमने आश्वासन में भरोसा कर लिया। इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है और बहुत सारे दल इस